आप देख रहे हैं जगन न्यूज 24। खबरों की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जगन न्यूज 24। जिला मुख्यालय छतरपुर से 90 किलोमीटर दूर स्थित माता अंबार के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिसमें कोई नंगे पैर पैदल जा रहा है तो कोई दंड भरकर मंदिर में हाजिरी दे रहा है। नवरात्र पर्व को लेकर मंदिर को आकर्षक लाइटों से सजाया गया है। कतार में लगातार श्रद्धालुओं ने बुधवार को जल चढ़ाया। गौरतलब है कि अंबार माता मंदिर पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं। रास्ता टीकमगढ़ घुआरा से रामटोरिया होते हुए, दूसरा रास्ता शहर सागर से होते हुए और तीसरा रास्ता उत्तर प्रदेश ललितपुर के गिरार होते हुए है। हालांकि घुआरा से रामटोरिया होते हुए रास्ता अच्छा है, इसलिए श्रद्धालु यहीं से मंदिर के लिए जाते हैं। पहाड़ की चट्टान पर मंदिर बना हुआ है। मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद, माँ की चुनरी सहित खान पान के लिए स्वल्प आहरा और खाने की दुकानें भी लगी हुई हैं। मध्य प्रदेश छतरपुर जिले के विकासखंड बड़ा मलहरा में पड़ता है अंबार माता का मंदिर। बुजुर्ग पूर्वज बताते हैं कि क्षेत्रीय दक्षिणों द्वारा मंदिर स्थापित किया जाता था। कहा जाता है कि लोधी सामुदायिक लोगों की कुलदेवी आराध्य हैं। जैसे ही माता रानी के दर्शन करके आप घूमेंगे तो मंदिर के चारों ओर कई पत्थर की चट्टाने हैं और गुफाएं हैं। करीब 50 फुट की ऊंचाई चट्टान पर एक छोटा माता रानी का मंदिर है। एक दूसरी चट्टान का संपर्क न होने के कारण चट्टान वाले मंदिर पर दर्शन करने के लिए नहीं पहुँच पाते हैं, बल्कि माता रानी के दर्शन नीचे खड़े होकर ही करने पड़ते हैं। परिक्रमा कर ग्राउंड में लोधेश्वर भगवान मंदिर, भैरव बाबा मंदिर, भोलेनाथ पार्वती मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर ऐसे देवी देवताओं के मंदिर हैं जहां पर भगवान विराजमान हैं। आपको बता दें, हर वर्ष बैशाख माह में 15 दिवस का विशाल मेला लगता है। मंदिर प्रांगण में प्रवेश के उपरांत 50 सीढ़ियां चढ़ने के बाद ही आप माता रानी मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे। मंदिर में प्रवेश करने के बाद ही परिक्रमा शुरू हो जाती है, जहां पर परिक्रमा करके मंदिर मिलेंगे। इसमें परिक्रमा करते हुए अंबार माता के दर्शन होंगे। नवरात्र पर्व पर माता रानी की भव्य झांकी भी सजी हुई है। जगह न्यूज 24 घुआरा रामटोरिया से अमान राजपूत की खास रिपोर्ट। एक प्राचीन स्थल जो हजारों वर्ष पुराना है, पहले से ही आला उदल ने यहाँ पर आकर के माता का उत्सव किया, नवरात्रि पावन पर्व मनाया, मेला का उत्सव भी मनाया और लोगों में आज प्रसिद्धा जागी है। कई प्रकार की माँ कामनाएं हैं जो मनुष्यों की होती हैं, आदमियों की आते जाते रही है और जो हाथी लगाते चीरा में जैसे, उससे कई औरतों की गोदी सुनी वो भर जाती है। मन में जो कामना लेके आते हैं वो मनोकामना से उनकी पूरी हो जाती है, तो मन में किसी भाव को लेकर यात्री आते जाते हैं। जो चीरा है पीछे, ये लोग बताते हैं कि पहले बढ़ता था, आप क्या है किसे? जी, पहले लोग बाग बताते बढ़ता, आज भी ऐसा लगता है कि मोटा हो रहा हो या लंबा हो रहा हो, वैसे नाप तौल अभी तक नहीं की गई।